हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जोधपुर में विवादास प्लॉट पर कब्जे को लेकर तनाव, प्रशासन ने निर्माण कार्य रुकवाया। शहर के न्यू पावर हाउस रोड पर ईसाइयों के कब्रिस्तान के पास बसी आज सुबह एक विवादास प्लॉट पर कब्जे को लेकर स्थिति तनावपूर्ण हो गई। यहां आपस में लोग मारपीट पर उतारू हो गए। झगड़े की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मोहल्ले वासियों से समझाइश के प्रयास किए। इस जमीन पर कब्जे को लेकर दो पक्ष आमने सामने हो गए। इस मौके पर RAC, नगर निगम और JDA के अधिकारियों को भी बुलवाया गया। बाद में यहां चल रहे निर्माण कार्य को रुकवा दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार ईसाइयों का कब्रिस्तान क्षेत्र में एक निजी क्लिनिक कम लैब के पास खाली पड़े भूखंड पर आज सुबह निर्माण कार्य करने की नियत से एक पक्ष ने वहां पर पत्थर और निर्माण सामग्री डाल दी। वहीं क्षेत्र के लोगों का कहना है कि उक्त जमीन पार्क के नाम पर आवंटित है। इसी बात को लेकर पहले तो लैब वाले और प्लॉट पर कब्जा करने आए पक्ष के बीच तनातनी हुई और बाद में ये मामला बस्ती तक पहुंच गया। इसके बाद वहां पर बस्ती के सैकड़ों महिला पुरुष एकत्रित हो गए और निर्माण कार्य को लेकर विरोध करने लगे। झगड़े की सूचना पर शास्त्री नगर पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश का प्रयास किया। मामला ज्यादा तनावपूर्ण होने पर ACP नूर मोहम्मद, थाना अधिकारी राजेंद्र सिंह, राजपुरोहित आदि वहां पहुंचे। उन्होंने निर्माण कार्य रुकवा दिया। फिलहाल मामला शांत बताया गया है। नगर निगम और JDA के अफसर कागजात की जांच में जुटे हैं। जागरूक टीवी के लिए जोधपुर से खास रिपोर्ट।